नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे यहाँ बी पार्ट फर्स्ट में हिंदी साहित्य में कहानी चैनी का जो है किताब लगा रखी है। इस कहानी चैनी का में कुल जो है 10 कहानियाँ आपके हैं। पहली जो कहानी है वह है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यह कहानी है 1915 में प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहानी को नए आयाम दिए हैं और पूर्व दीप्ति पर यह कहानी लिखी गई है। दूसरी कहानी जो है इसमें नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। नमक का दरोगा कहानी भी जो है एक कर्तव्य प्रायणता को सर्वोपरि मानते हुए और धन और धर्म की लड़ाई इसमें दिखाई जाती है। ये जो कहानी है नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की। तीसरी कहानी जो है वो मधुआ है, जयशंकर प्रसाद की कहानी लगा रखी है। मधुआ जयशंकर प्रसाद की देखेगा। पहली कहानी कौन सी है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरी कहानी नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद। तीसरी जो कहानी आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में है वो है मधुआ जयशंकर प्रसाद। और चौथी कहानी जो है पाजेब, जैनेन्द्र कुमार की चौथी कहानी है पाजेब। और पांचवी कहानी इसमें है खच्चर और आदमी, यशपाल की कहानी है। खच्चर और आदमी ये यशपाल की कहानी है। यशपाल जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति है, मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं। और खच्चर और आदमी कहानी में भी इन्होंने जो है परिवर्तनशीलता को महत्वपूर्ण माना है कि परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य को क्या है अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए, हमें कूप मंडूक नहीं बनना चाहिए। कूप मंडूकता में या धर्मपरायणता में हम जीवन को कहीं ना कहीं नुकसान कर बैठते हैं। छठी कहानी है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक जो कहानी मोहन राकेश की है। मलबे का मालिक ये पाकिस्तान की जो बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का 1947 में, उस वक्त जब दंगे हुए थे भारत में और पाकिस्तान में, जब दंगे हुए थे तो मलबा था, बहुत सारे मकान ढा दिए गए थे। तो विभाजन की त्रासदी जो है उस विभाजन की त्रासदी पर लिखी हुई ये कहानी है मलबे का मालिक मोहन राकेश। सातवीं कहानी जो है इसमें सजा है मन्नू भंडारी। देखिए मन्नू भंडारी जो कहानी की लेखिका है ये जो है महत्वपूर्ण कहानी लेखिका है उस दौर की। और मन्नू भंडारी जो है वो अमेरिका में रहती थी और अमेरिका की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने भारतीय सामाजिकता के ऊपर जो चित्रण किया है ये महत्वपूर्ण बात है। कृष्णा सोपती और ये मन्नू भंडारी महत्वपूर्ण लेखिका है कहानी क्षेत्र में। आठवीं जो कहानी है आपकी इसमें दाजू, शेखर जोशी की कहानी है दाजू। और नवीं जो कहानी है गदल रांगे राघव की। ये गदल जो कहानी है ये मृत्यु भोज के ऊपर लिखी हुई कहानी है। और रांगे राघव मूल रूप से वैर भरतपुर जो कस्बा है वहाँ के वो रहने वाले थे और ये उसी अंचल विशेष पर ये गदल कहानी उन्होंने लिखी है। गदल जो है एक नारी पात्र है, इस नारी पात्र पर उन्होंने ये कहानी लिखी है कि किस तरह गदल जो है वो परंपराओं से बंधी है और किस तरह से वो साहसिकता का परिचय देती है। दसवीं जो कहानी है आपकी इसमें वो पिक्चर पोस्टकार्ड है निर्मल वर्मा की। पिक्चर पोस्टकार्ड निर्मल वर्मा की ये आपके इसमें जो है ये 10 कहानियाँ आपके लगा रखी हैं। पहला जो है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की।
तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय जो है हम देख लेते हैं। चंद्रदास शर्मा गुलेरी महत्वपूर्ण कहानीकारों में है और इन्होंने कहानी को नई दिशा प्रदान की। जो कहानी की एक परिपाटी चल रही थी उस परिपाटी से हट करके और इन्होंने नई दिशा प्रदान की। चंद्रदास शर्मा गुलेरी की कहानी जो है ये इसको सच्चे मायने में हिंदी की ये पहली कहानी मान सकते हैं। तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी जो है इनका जन्म 1883 ईस्वी में होता है और मृत्यु जो है 1922 में, मृत्यु 1922, देखिएगा मात्र जो है 17 और 22, 39 साल जो है जीवन यापन किया। देन 39 साल की उम्र में ही इन्होंने जो है कहानी के क्षेत्र में अपना नाम जो है लेखकों की जो पंक्ति है उसके सर्वोच्च स्थान पर ले गए। चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां महत्वपूर्ण रूप से लिखी हैं। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये 3 उनकी कहानियां हैं। लेकिन इन 3 कहानियों में के बल पर ही वो जो है कहानी के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन में से इन दोनों में से भी महत्वपूर्ण कहानी है उसने कहा था। ये उनकी उन्हीं की नहीं बल्कि हिंदी कहानी के क्षेत्र की एक अच्छी श्रेष्ठ कहानियों की श्रेणी में ये आती है। तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी के पूर्वज मूलतः गुल्लेर जिला कांगड़ा से थे। इनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री आजीविका से बंधे जयपुर आ गए। अपनी माता श्रीमती लक्ष्मी के प्रति गुलेरी जी सदैव श्रद्धान्वित रहे। गुलेरी जी का संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं पर अच्छा खासा एक समान अधिकार था। देखिएगा गुलेरी जी कितने विद्वान थे। फ्रेंच भाषा भी इनको आती थी, आंग्ल भाषा भी इनको आती थी, लैटिन भाषा भी इनको आती थी, बांग्ला भाषा भी इनको आती थी, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, संस्कृत भाषा और हिंदी पर तो इनका अधिकार था ही। अभी गुलेरी जी 10 वर्ष के ही थे कि इन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महिमा महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। यानी प्रतिभा जो है ये प्रतिभाशाली थे और प्रतिभा इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में ही जो है प्रतिभा का परिचय दे दिया था संस्कृत में भाषण देख करके। सन 1904 में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक लगे। 1904 में गुलेरी जी जो है मेयो कॉलेज जो है अपने अजमेर की, ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित कॉलेज थी। इस कॉलेज में अंग्रेजों के जो है बच्चे ज़्यादा पढ़ा करते थे जब हम गुलाम थे या भारत जब गुलाम था। तो 1904 में ये मेयो कॉलेज में अध्यापक के रूप में इन्होंने अपनी आजीविका प्रारंभ की। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुलवा भेजा और हिंदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लगाया। चंद्रदास शर्मा गुलेरी ऐसे कथा लेखक थे जिन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखकर कथा साहित्य को नई दिशा और नए आयाम प्रदान किए। चंद्रदास शर्मा गुलेरी ऐसे प्रसिद्ध कथाकार थे, ऐसे प्रतिभाशाली कहानीकार थे कि इन्होंने अपने जीवन में 3 कहानियां लिखी और 3 कहानियों के बल पर ये जो है कहानी के क्षेत्र में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। मैंने आपको बताया था 3 कहानियां, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति शैली में लिखी कहानी उसने कहा था। मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि पूर्व दीप्ति में लिखी गई ये कहानी उसने कहा था। ये प्रथम विश्व युद्ध जो है उसकी पीठिका के ऊपर लिखी हुई ये कहानी है उसने कहा था। सन 1915 में प्रकाशित इस कहानी की टेक्निक अपने समय से बहुत आगे थी। मैंने बताया था कि कहानी का प्रकाशित हुई थी 1915 में, ये कहानी प्रकाशित हुई थी और इसकी जो टेक्निक जो है वो अपने समय से कहीं बहुत आगे थी।
उनकी दो अन्य कहानी बुद्धू का काटा और सुखमय जीवन सन 1903 में जयपुर से जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित हुआ। इसी पत्र में गुलेरी जी संपादक रहे। इन्होंने पूरे मनोयोग से समालोचक में अपने निबंध और टिप्पणियां देकर उसे जीवंत बनाए रखा। शशुनाग की मूर्तियां, देह कुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, आँख, मोरेसी मोहित उठाऊ और सोहम जैसे निबंधों पर इनकी विद्वता की अमित छाप मौजूद है। गुलेरी जी का 39 वर्ष की अल्पायु में ही 12 सितंबर 1922 को काशी में निधन हो गया। ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का परिचय है। कल हम जो है हिंदी कहानी उसने कहा था इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।